द एवरेज ऑफ टू नंबर इज सिक्स पॉइंट फाइव कोई दो डिजिट है कोई दो नंबर है उसका एवरेज सिक्स पॉइंट फाइव होता है एंड स्क्वायर रूट ऑफ़ द प्रोडक्ट इज सिक्स और उस दो डिजिट का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट सिक्स होता है तो वो दो नंबर क्या होगा यानी कि कोई दो नंबर है कोई दो डिजिट है उसका एवरेज सिक्स पॉइंट फाइव आता है और उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट सिक्स आता है तो वो नंबर क्या होगा वो फाइंड करना है तो सबसे पहले दोनों नंबर को हम लोग एक्स एंड वाई मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई देन क्या दिया हुआ है एवरेज ऑफ टू नंबर इज यहाँ पे क्या दिया हुआ है दो नंबर है दो डिजिट है उसका एवरेज सिक्स पॉइंट फाइव है तो हम लोगों ने एक नंबर एक्स मान लिया है दूसरे नंबर को हम लोगों ने वाई मान लिया है दो नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाई टू एवरेज ऑलरेडी सिक्स पॉइंट फाइव इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सिक्स पॉइंट फाइव ये टू ऊपर जाएगा इंटू टूल टू थर्टीन यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया थर्टीन ये मेरा एक इक्वेशन निकल गया अब दूसरा क्या बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज सिक्स उस दो डिजिट का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट सिक्स दिया हुआ है ठीक है फ्रॉम क्वेश्चन वी डिराइव दैट क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई दैट इज क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई वाईक्वल टू सिक्स उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई टू दावर हाफ टू सिक्स अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आएगा एक्स वाई टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई टू स्क्वल टू सिक्स स्क्वायर ये टू टू कट गया एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वल टू थर्टी सिक्स ये सेकेंड निकला यहां पे हम लोगों ने दो इक्वेशन डिराइव किया पहला इक्वेशन था एक्स प्लस वाई इक्वल टू थर्टीन ये इक्वेशन डिराइव किया सेकेंड इक्वेशन एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू थर्टी सिक्स फ्रॉम फॉर्मूला ई का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या था एक्स प्लस वाई स्क्वल टू थर्टीन यहाँ पे थर्टीन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने थर्टी सिक्स सेकेंड इक्वेशन से हम लोगों ने थर्टी सिक्स निकाला था एक्स वाई का वैल्यू थर्टीन स्क्वायर का वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर इजक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया ट्वेंटी फाइव बोथ साइड माइनस होल स्क्वायर उसको इस तरह से लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव करके भी लिख सकते हैं या फिर फाइव स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग इसको ट्वेंटी फाइव को फाइव इंटू फाइव भी लिख सकते हैं और फाइव स्क्वायर भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर स्क्वल टू फाइव स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आया फाइव एक तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं या फिर एक्स माइनस वाई इजक्वल टू हंड्रेड रूट ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस वाई इज्क्वल टू फाइव स्क्वायर या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x- माइनस वाई को वैल्यू क्या है फाइव है एक्स माइनस वाई इजल टू फाइव या तो इसको इस ढंग से निकाल सकते हैं या तो इसको इस ढंग से भी x- माइनस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां पे तीन इक्वेशन निकले पहला इक्वेशन जो निकला था वो था x प्लस वाई इजल टू थर्टीन सेकेंड इक्वेशन था एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वल टू थर्टी सिक्स और तीसरा इक्वेशन जो निकला वो एक्स माइनस वाई स्क्वल टू फाइव सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई स्क्वल टू थर्टीन और इक्वेशन थर्ड क्या है एक्स माइनस वाई इजल टू फाइव एड करेंगे वाई वाई कट गया टू एक्स इजक्वल टू एटीन एक्स इक्वल टू एटीन बाई टू इक्वल टू नाइन एक्स का वैल्यू क्या आया नाइन आया टीन X X जो पहला इक्वेशन था जो हम लोगों ने पहला इक्वेशन निकाला था एक्स प्लस वाई अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो निकल गया एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या है था? आया था नाइन आया था नाइन प्लस वाई टू थर्टीन वाई इसकल टू थर्टीन माइनस नाइन इसवल टू फोर तो फिर क्या आया हम लोग का यहाँ पे दी नंबर्स आर वाई इक्वल टू फोर एंड एक्स इक्वल टू नाइन ये आंसर हुआ